नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज़ पर। अभी हम बात करने जा रहे हैं आरआरआर का जो नया मोशन पोस्टर आया है उसके ऊपर। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया पोस्टर है, लेकिन मैं अभी ख़ास तौर पे बात करने जा रहा हूँ जो लोगो आया है उसके ऊपर। अगर आप लोगो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोगो जो है ये सिक्के की तरह बना हुआ है। ख़ास तौर पर इसका अगर आप साइड से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इसके साइड में ग्रूव्स बनी हुई हैं, और वो ग्रूव्स जो हैं वो बहुत हद तक आपको सिक्के की याद दिलाती है। जो इसका एक आउटसाइड एज बना है वो भी बहुत हद तक मेरे ख्याल से सिक्के जो पुराने हुआ करते थे उसके स्टाइल का बना हुआ है। बीच वाला जो आर लिखा हुआ है उसके ऊपर इंडिया 1920 जिस प्रकार से लिखा गया है, सिक्कों पर पहले इसी तरह से भारतवर्ष का नाम और साथ में जिस साल वो सिक्का बना था वो लिखा होता था। आरआरआर का अर्थ तो आपको पता चल चुका है, राइज, रोर और रिवोल्ट, लेकिन ये जो सिक्के वाला पहलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ कोमेमोरेटिव सिक्के बनते हैं, यानी कि किसी की याद में किसी की श्रद्धांजलि देते हुए जो है हम सिक्के बनाया करते हैं। यहाँ आप देखिए कि उसी तरह से उस सिक्के पर क्या होता है कि उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है, कब से पैदा हुआ था, कब मरा था, इसका भी डिटेल रहता है, लेकिन यहाँ वो कब जीवित हुए और कब मरे इसका डिटेल नहीं दिया है। किंतु जो आर और आर है रामचरण का और तारक का, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो आर और आर आपको दिखाई दे रहा है रामचरण और तारक के सिक्के में, वो उस पर आपको दिखाई देगा कि नाम लिखा हुआ है अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमरम भीम का। ये उसी तरह का है जैसे कि नाम लिखा रहता था सिक्कों पर, कोमेमोरेटिव सिक्कों पर। लेकिन ये जो है आपको जो एक आइडिया ऑफ जो थीम जो लेकर के आई गई है यहाँ पर सिक्के की, मेरे ख्याल से बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें डकैती का एंगल ज़रूर है। क्योंकि ये सिक्का आ गया है, मुझे लगता है कि इन लोगों को मिल करके जो है चोरी करनी है, कुछ डकैती करनी है, कुछ इस किस्म का होगा। कहीं ना कहीं एक्सचेकर लूटना अंग्रेज़ों का जो है ये यहाँ पर इसका जो है कुछ एंगल हो सकता है कहानी का। इट माइट बी ए हाइस्ट मूवी आफ्टर ऑल, ये फिल्म हो सकता है कि एक चोरी पर आधारित हो, कि जहाँ पर सिर्फ एक चोरी की जा रही है। मैं इस तरह की जानकारी आपको और ला के देता रहूँगा, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद।